नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। स्वामी ने दो मुख्य कारण और उनके दो इलाज बताए हैं, क्योंकि स्वामी अनुसार मनुष्य इन्हीं दो कारणों से फंस जाता है और लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। लोगों में उसको नीचा दिखाते हैं। कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, आपको कुछ कहेंगे नहीं पर उसमें ही बहुत कुछ कह जाते हैं। उनको जो करना होता है वो कर जाते हैं पर आपको भारी टेंशन दे जाते हैं। ऐसे ज्यादातर घर के बाहर ही देखने मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाली बातें। पहले बीमारी का कारण जान लेते हैं, फिर उसका इलाज। सबसे पहला कारण, लोगों को आपका फायदा उठाने का मौका आप खुद ही देते हैं। कैसे? भाई आप ही सही हो, भाई आप कभी गलत हो सकते हो क्या? इस तरह से आपके द्वारा जाने अनजाने में निकली हुई बातें सामने वाले को अचानक झटका देती है। और ऐसी बातें खासकर तब की जाती है जब सामने वाले को खुश करना हो और बिना किसी वजह की हुई तारीफ सामने वाला हजम नहीं कर पाता और वो ये मानकर चलता है कि मुझे कोई नहीं बोलने वाला, चाहे मैं कुछ कहूँ या करूँ। गलत बर्ताव पर आपका चुप रहना या उसे कुछ ना बोलना, तू ही सही है ये बार बार जताना आपको भारी पड़ जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति सही में सही है तो जरूर उसकी तारीफ करे, क्योंकि तारीफ उसके विचार की, उसकी सोच की हो रही है। बिना किसी कारण की हुई ऐसी तारीफ उसके अहंकार को पुष्ट करती है। फ्री में मिली हुई तारीफ हजम ना होने पर सामने से आपको ही अपशब्द मिलने लगते हैं। बिना नींव की हुई तारीफ आपको इतनी महंगी पड़ जाती है कि सही व्यक्ति की भी तारीफ करने से आप डरने लगते हैं, कहीं कुछ अपशब्द ना मिले। सही व्यक्ति की सही तारीफ करे तो वो मनुष्य सहज हजम कर जाता है, पर गलत व्यक्ति की हुई गलत तारीफ या बिना वजह की हुई तारीफ सामने वाले को हजम नहीं होती। तो जो हजम नहीं होती उसे तो कैसे भी करके बाहर ही आना है, तो वो अपशब्द गलत शब्द के रूप से बाहर निकल ही आते हैं। दूसरा कारण, अगर आपके मन में पहले से ही किसी बात को लेकर किसी के लिए गलतफहमी हो या बुरे अनुभव हो तो ऐसे में सीधा साधा मनुष्य भी खराब लगने लगता है, क्योंकि पहले के पक्के विचार अब के विचार पर हावी हो जाते हैं। इसलिए सीधा व्यक्ति भी इस हद तक बुरा लगने लगता है कि वो आपका बुरा ही चाहता है, ऐसे विचार आपके मन में आने लगते हैं। वास्तविक परिस्थिति कुछ और ही होती है, पर पहले से ही बने हुए विचारों ने आपका अच्छा सोचना ही बंद करवा दिया। अब आप नया क्या सोचेंगे? पहले के विचार ही आपको चला रहे हैं, उसी सोच अनुसार आपका आचरण भी हो रहा है। अब क्या है इसका इलाज? जो भी गिले शिकवे हैं मन से निकाल दीजिए। अब इतनी पक्की सोच क्या एक ही झटके में निकल आएगी? नहीं। तो शेयरिंग में बहुत पावर है। सामने वाले से खुलकर बात करें। बात करने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उतना बुरा तो है नहीं जितना सोचा था। पर ये कब पता चला? जब उससे बात की। बात करने से बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। आप में भी एक कॉन्फिडेंट आएगा कि एक गलत विचार पर आपने जीत हासिल की। फिर आप जो अनुभव करते हैं उस समय वही तो है आत्मविश्वास। दूसरा इलाज, कभी कभार सामने वाले में भी आपके लिए इतने पक्के विचार बैठ जाते हैं कि हो सकता है वो बात करने के लिए आपसे राजी ना हो। आपके लाख प्रयास के बावजूद भी बात ना बनती हो या आपके अच्छे बर्ताव पर भी आपके साथ गलत हो रहा हो, तो उस समय उस मनुष्य से दूर रहिए। हो सकता है वो मनुष्य सही होगा, अच्छा होगा, पर आपके लिए सुटेबल नहीं है। जैसे मीठी चीज जहर तो नहीं, पर कुछ लोगों के लिए, कुछ पेशेंट के लिए वो जहर जैसा काम करेगी, पर यही मीठी चीज कुछ लोगों के लिए दवा जैसे काम करेगी। इसलिए थोड़ा टाइम जाने पर अपने आप ही रिश्ते में समझदारी आ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, समय ही सही दवा है, तो सबूरी रखे। तो ये थे दो मुख्य कारण और उनके दो इलाज। उम्मीद है स्वामी की अनमोल बातें आपके भी जीवन पर अनमोल प्रभाव डालेगी। अपना ख्याल रखे, धरती माँ की रक्षा करे और जरूरतमंदों की सहायता करे। जय हो।